गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम लोग बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर होता क्या चीज है और किसे हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन करते हैं। द एक कंपनी में रिसीव एप्लीकेशन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ शेयर दैट ऑफर बाय इट्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। यानी कंपनी की जितना भी सब्सक्राइब कर रही है उससे अधिक के लिए जब एप्लीकेशन आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। एक एग्जांपल के साथ हम लेके चलते हैं। जैसे सपोज कीजिए किसी कंपनी को 50,000 शेयर इशू करना था सब्सक्राइब की, लेकिन जब कंपनी के पास जो एप्लीकेशन जो रिसीव हुई, एप्लीकेशन जो आई है वो कितना आया, 60,000। दैट से क्या हो गया, जो इन दोनों का जो डिफरेंस है जो 10,000 है वो क्या होगी आपकी, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए कई तरह के कंडीशन अप्लाई करती है, अलग अलग कई मेथड अप्लाई करती है कि एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन आ रही है कंपनी उसके लिए क्या क्या यूज करे। ठीक है, फिर से बताता हूँ कि कंपनी जब भी सपोज करते हैं कि कंपनी जितना कोई भी कंपनी एक्सवाइटेड कोई भी कंपनी जितना भी शेयर इशू कर रही है, अगर उससे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया दैट्स क्या हो गया, वो ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने ऑफर किया था पब्लिक में 50,000, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ, 60,000। तो जो इन दोनों का जो डिफरेंस का जो ये गैप आ रहा है ये क्या हो गया, वो 10,000 ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई। अब कंपनी इसके लिए क्या क्या इंडिया करती है, कौन कौन से होती है, तो कंपनियां इसमें तीन टाइप्स इसको यूज कर सकती है। पहली सपोज करते हैं, पहली एंट्री क्या हो सकती है, तीन अल्टरनेटिव अलग अलग मेथड के बेसिस पे चलते हैं। तो कंपनी करती क्या है, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड तो इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में। The application money received। यानी कंपनी जब भी शेयर को कंपनी के पास जब भी एप्लीकेशन आया तो कंपनी फर्स्ट एंट्री अपने आप क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ओके, अब कंपनी क्या कर सकती है, फर्स्ट कंडीशन क्या कर सकती है कि जितना भी एक्स्ट्रा शेयर आ रहा है, जैसे हम लोगों ने अभी एग्जांपल बात कर रहे थे कि 50,000 10,000 का जितनी भी एक्स्ट्रा शेयर आ रही है कंपनी उसको फर्स्ट अल्टरनेटिव मेथड क्या कर सकती है, फर्स्ट मेथड में क्या कर सकती है, उसका जितना भी एक्स्ट्रा आया उसको कंपनी क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। यानी कंपनी अपने आप में जो सेकंड एंट्री करेगी वो क्या आ जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जैसे जो हम लोग पहले करते थे, जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसको कंपनी क्या कर रही है, रिफंड कर रही है टू बैंक। ओके, नेशन क्या हो गया, बी द एप्लीकेशन मनी ठीक है, कंपनी पर जो एप्लीकेशन की मनी रिसीव थी उसको कहां कर दी है, शेयर कैपिटल में, बीइंग द एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड। अब क्या कर रही है कंपनी, जितना भी कंपनी के पास जितना भी एक्सेस था उसको क्या कर रही है कंपनी, उसको रिजेक्ट कर रही है, बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन बीइंग मनी रिफंड। कंपनी ने फर्स्ट अल्टरनेटिव मेथड क्या कर सकती है कि कंपनी तीन मेथड की यूज कर सकती है। फर्स्ट क्या कि कंपनी के पास जब भी एप्लीकेशन आया तो बैंक के अकाउंट डेबिट से एप्लीकेशन की बात की, एप्लीकेशन के थ्रू कंपनी के पास पैसा आया, अब कंपनी उसको क्या कर रही है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया और जितना भी एक्स्ट्रा आया उसको कंपनी ने क्या किया, उसको रिफंड कर दी।
ये तो फर्स्ट अल्टरनेटिव मैथ कंपनी यूज कर सकती है इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन में. सेकंड क्या हो सकता है, कंपनी जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है उसके लिए कंपनी कहाँ ट्रांसफर कर सकती है, एक्सेस अमाउंट को यूटिलाइज कहाँ कर सकती है, अलॉटमेंट एंड कॉस्ट में. तो उसके लिए जो फर्स्ट एंट्री होगी कंपनी के यहाँ पे फर्स्ट एंट्री जो होगी वो सेम इसमें सेम इसमें जो एंट्री होगी फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. अब देखो सर इसमें भी सेम एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बीइंग द एप्लीकेशन मनी मनी रिसीव्ड. ठीक, अब यहां पे तो कंपनी ने इसमें भी वही एंट्री थी और इसमें भी. ठीक, अब इनकी भी फर्स्ट एंट्री वही थी और इनके में भी फर्स्ट एंट्री वही है. ये फर्स्ट मेथड हो गया. ठीक है, अब यहां पे कंपनी जो सेकंड मेथड अप्लाई कर रही है वो कौन सी है. फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट से एप्लीकेशन किया, जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट आई जितना भी शेयर के अमाउंट एक्स्ट्रा आया उसे कंपनी कहां एडजस्ट कर सकती है, अलॉटमेंट एंड कॉस्ट में. तो नेक्स्ट एंट्री कंपनी के यहां पर क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस. ओके, जितना भी कंपनी के पास एक्स्ट्रा आया उसको कहां ट्रांसफर कर दी, कॉल इन एडवांस अकाउंट में बी. अब सर क्या हो गया, बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी क्या कर रही है कंपनी, एडजस्टेड कहां पे एडजस्ट कर रही है कंपनी, एडजस्ट कहां पे हो रही है कंपनी का वो शेयर का, कहां कहां पे हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं इसको, अलॉटमेंट एंड कॉस्ट में. अलॉटमेंट एडजस्टेड टू एडजस्टेड ऑन कहां पे, अलॉटमेंट ऑन शेयर अलॉटमेंट एंड कॉस्ट. ओके, अब मेन जो दो मेथड होते हैं, पहला कंपनी क्या कर सकती है, रिफंड कर सकती है, यानी इसकी कंडीशन जो हम लोग कहते हैं कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिजेक्टेड. ठीक है, जितना भी एप्लीकेशन मनी था उसको कंपनी क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी. तो उसकी कंडीशन में फर्स्ट एंट्री होगी बैंक ऑन डेबिट से एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव. सेकंड कंडीशन क्या, और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, से एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक, यानी ये रिजेक्शन कंडीशन में आती है, यानी कंपनी एक्सेस अमाउंट को रिजेक्ट कर दिया. सेकंड कंडीशन में क्या है, कंपनी का जो सेकंड मेथड अप्लाई करती है, एक्सेस अमाउंट यूटिलाइज कर रही है कहां पे, अलॉटमेंट एंड कॉल में, जिसे हम लोग प्रोराटा अलॉटमेंट भी कहते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट. ठीक है, तो इसकी कंडीशन में कंपनी क्या करती है, बैंक अकाउंट डेबिट से एप्लीकेशन सेम वही चीज. लेकिन अब उसके बाद क्या हो रही है कि नेक्स्ट से एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल इन एडवांस बीइंग एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू अलॉटमेंट एंड कॉस्ट में. ये इस टाइप की जब भी कंपनियां करती हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट. अब थर्ड कंडीशन में कंपनी क्या कर सकती है, इन दोनों को मर्ज कर सकती है. थर्ड कंडीशन में कंपनी इन दोनों को फर्स्ट एंड सेकंड मेथड को दोनों को कंबाइन करके कर सकती है. तो ये क्या हो सकता है, तो इसके यहां पे भी जो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग द एप्लीकेशन मनी मनी रिसीव बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव. इन
ओके अब कंपनी क्या कर रही है इसी को इन दोनों मेथड को कंबाइन कर सकती है यानी कुछ को ट्रांसफर कर सकती है और कुछ शेयर का पैसा क्या कर सकती है रिफंड कर सकती है तो इसके लिए जो कंपनी के यहां पर जो नेक्स्ट एंट्री होगी क्या हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट और टू बैंक यानी कंपनी ने इन दोनों को कंबाइन टिक कर दिया ठीक है तो अब इसमें क्या कह रही है बीइंग सम एप्लीकेशन में adjusted and prorata basis and some refunded being being some application application rejected a refund some application refund and prorata allotment prorata का मतलब क्या हो गया कंपनी जितने को भी कर रही है जितना कंपनी पास एप्लीकेशन आया था और उसको prorata यानी रेशियो बेसिस में करती है तो उसको क्या कहते हैं prorata allotment is made कर रही है किसमें among remaining application कर रही है यानी कंपनी ने सम एप्लीकेशन को तो क्या कर दी रिफंड कर दी है और दूसरे कार्यों के क्या कर दी है रिमेनिंग को एप्लीकेशन को जो भी रिमेनिंग बचा हुआ है रिमेनिंग एप्लीकेशन ठीक है अब देखिएगा रिमेनिंग एप्लीकेशन में अब ये कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में जब भी कंपनी के पास एक्स्ट्रा शेयर आती है तो कंपनी क्या करती है तो तीन चीजों में से कोई भी यूज कर सकती है पहला फर्स्ट वो रिफंड कर सकती है सेकंड उसको एडजस्ट कर सकती है एंड थर्ड में इन दोनों को ही कंबाइन कर देती है यानी फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन किया तो ऐसे कंबाइन को एवर टू अल्टरनेटिव यानी इन दोनों को कंबाइन करके थर्ड वाले को किया ओके इस टाइप की जो भी चीज आती है इसमें हम लोग कहते हैं क्या ओवर सब्सक्रिप्शन का जो एडजस्टमेंट आती है ठीक अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन कैसे होते हैं और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है फर्स्ट अल्टरनेटिव की कंडीशन जब रिजेक्शन होती है सेकंड जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं अलॉटमेंट एंड कॉस्ट में एडजस्टमेंट हो रही है प्रोराटा बेसिस पे एंड दोनों की कंबाइंड के बेसिस पे ओके अब इसके बाद जो इससे रिलेटेड जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं जो मैक्सिमम आपके सामने जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएंगे वो किसके बेसिस पे आएंगे इन्हीं के प्रोराटा बेसिस पे आपको ये सब अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए ओके थैंक यू